चलो वॉइस ऑडिबल है क्या? चलो फटाफट ज्वाइन हो सब लोग। गुड आफ्टरनून। जल्दी ज्वाइन करो। हेलो, ज्वाइन हो गए सब लोग। बाकी लोग किधर है? सिर्फ 107 पीपल हैव ज्वाइंड। 106।
Let everyone join, then I'll start. चलो, कल हम क्या कर रहे थे? कल मैंने आर के वाली बारे में बताया था, आर का वाली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अभी केस वन केस टू बताया था ना, आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में, जूल्स पर मोल पर केल्विन में और कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में। जस्ट अ मिनट, स्टार्ट होने दो इसको।
चलो, तो मैंने तुमको आर के वैल्यूज बता दिए। मैंने आर के क्या क्या वैल्यूज बताया तुमको? आर के मैंने तीन तरह के वैल्यूज बताए। इट विल डिपेंड कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या यूनिट है कि नहीं। तो फर्स्ट, इफ प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इज इन लीटर्स, तो आर इज इक्वल टू 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन आर। सेकेंड, इफ प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, क्यों हो रहा है? वेट, हैंग हो रहा है थोड़ा, वेट करो। हाँ, इफ प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, देन आर इज इक्वल टू 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन और 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एंड थर्ड, आर इज ऑल्सो इक्वल टू 2.0 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो दीज आर द थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, नाउ नाउ विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को हम लोग एसटीपी भी बोलते हैं। एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ऑल्सो नोन एज एसटीपी। तो एट एसटीपी टेम्परेचर इज टेकन एज 273 केल्विन एंड प्रेशर इज टेकन एज 1 atm। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना लेते हैं? टेम्परेचर लेते हैं 1 m³। ये वी है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन, लेते हैं कितना? 1 atm। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि देयरफॉर, दूसरी बात, दूसरा टर्म है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस, उसको कहते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम। ठीक है, नाउ देयरफॉर, तो मोलर वॉल्यूम क्या हो गया? मोलर वॉल्यूम Vm, Vm दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो Vm को कैसे डिफाइन किया, मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? Vm इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस। Vm सीधा सीधा लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस
अपॉन मोल्स ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस बाय एन, मोल ऑफ वॉल्यूम, गेटिंग राइट नाउ। तो अभी यहां पे क्या बताएंगे, एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन, पहले हम लोग एसटीपी कंडीशन में निकालेंगे, एट एसटीपी कंडीशन जो बताया, प्रेशर कितना 1 एटीएम, टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल एनआरटी होता है, ठीक है। तो यहां से क्या कर दिया, मोलो वॉल्यूम इज इक्वल टू वी बाय एन इज इक्वल टू आर टी बाय पी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, एन को नीचे ले आओ और आर टी बाय पी को इस तरफ एक तरफ ले आओ, 273 केल्विन, सॉरी 273 केल्विन, देखो प्रीवियस स्लाइड क्या देखना है, देख लिया, आगे बढ़ जाए, देखा गया प्रीवियस स्लाइड, देख के हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एसटीपी कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन, ये क्या हो गया, ये हो गया आर टी बाय पी, ठीक है। प्रेशर किसमें, एटीएम में है ना, तो वॉल्यूम किसमें आएगा, लीटर्स में आएगा, क्योंकि प्रेशर एटीएम में है, तो आर के वैल्यू क्या पड़ेगा, आर के वैल्यू पड़ेगा 1/12 इंटू, आर के वैल्यू क्या पड़ा, आर के वैल्यू पड़ा 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, तो ये हो गया 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, यस, प्रेशर कितना है 180, तो पहली बात यहां से एटीएम एटीएम कट जाएगा, केल्विन केल्विन कट जाएगा, कितना आएगा अपने पास, अपने पास आएगा मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 1/12 इंटू कितना 273, और यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल, यूनिट होगा लीटर पर मोल, तो ये कितना आ गया मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, सॉल्व करो जरा, कितना आएगा 273 डिवाइडेड बाय 12, सॉल्व दिस, 273 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा अपने पास ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट रफली इसको लिया जाएगा 22.4 लीटर पर मोल, ऑलमोस्ट दिस विल बी टेकन एज 22.4 लीटर पर मोल, मोलर वॉल्यूम का वैल्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी पे है मोलर वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर प्रेशर के लिए तुम कुछ भी मोलर वॉल्यूम लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम का वैल्यू, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इतना है, समझे क्या, राइट। सो क्या होगा, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर पर मोल, बात समझ में आ गई, यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, यूनिट इज लीटर पर मोल, 22.4 लीटर पर मोल, लीटर पर मोल का मतलब क्या हुआ, एक मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर है, बात समझ में आई क्या, तो मोलर वॉल्यूम का यूनिट कितना हो गया 22.4 लीटर पर मोल, इट मींस एक मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर है। हाँ, अगर तुम इसको एक्चुअली सॉल्व करोगे, एक्चुअली प्रैक्टिस, मतलब ये पूरा वैल्यू निकालोगे, पूरा वैल्यू निकालोगे, तो मैं पूरा ही बता देता हूँ, मोलर वॉल्यूम का वैल्यू आएगा 22.7, ये आएगा 22.7 लीटर पर मोल, 22.7 लीटर पर मोल आएगा, इसको सॉल्व करोगे 273/12 करोगे 22.75 आएगा,
तो 22.7 लीटर पर मोल आएगा, ये एक्चुअल वैल्यू होता है, मगर वर्किंग ड्यूरिंग वर्किंग दिस इज टेकन एज 22.4 लीटर पर मोल। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि मैंने आर का एक्चुअल वैल्यू रख दिया 1/12। अगर आर का वैल्यू तुम 0.0821 रखोगे इनटू 273 किया, मतलब आर आर के वैल्यू 1/12 रखा, आर के वैल्यू को 1/12 को 0.021 रख दो, तो ये तुमको 22.4 के आसपास दे देगा वैल्यू, समझे क्या? राइट, एसटीपी पे एक्चुअल वैल्यू जो है ये एक्चुअल वैल्यू होता है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू है ये, एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू मोलर वॉल्यूम। मगर जनरली यही बोला जाता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी अंडर एसटीपी कंडीशंस कितना आता है, 22.4 आता है, समझे क्या? क्लियर हुआ? एक्चुअल वैल्यू जो है 22.7 ही होता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग मोलर वॉल्यूम का वैल्यू कितना यूज करते हैं, 22.4 लीटर ही यूज करते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये तो था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, एसटीपी कंडीशन में था, समझे क्या? दिस वॉज अंडर एसटीपी कंडीशन। अब अगर मैं एसटीपी कंडीशन ना लू, अगर मैं तुमसे कहूं कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम एट नॉन एसटीपी कंडीशन, इफ आई से कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम एट वॉइस ऑडिबल है कि नहीं, वॉइस ऑडिबल है कि नहीं? हाँ, तो जिनको वॉइस ऑडिबल नहीं फिर से दोबारा से रीजॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैंने कहा कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम, सपोज करो अंडर नॉन एसटीपी कंडीशन, मतलब प्रेशर कह दिया 2 एटीएम एंड टेम्परेचर कह दिया मैंने 300 केल्विन, इस कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम निकालना है। तो मोलर वॉल्यूम मतलब क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है? तो मोलर वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, वी बाय एन होगा ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, आर टी बाय पी, यही होगा, इजन इट राइट? तो ये कितना आ गया इस कंडीशन में, ये कौन सा कंडीशन है, इस कंडीशन में टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन एंड प्रेशर इज 280। तो मोलर वॉल्यूम यहां से निकाला तो कितना आ गया मोलर वॉल्यूम अपने पास, मोलर वॉल्यूम का वैल्यू इस कंडीशन के लिए निकाला V by N which is equal to RT by P, R का वैल्यू कितना पड़ेगा 1/12। इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर कितना है 280 में, समझे क्या? R के वैल्यू को यूनिट के साथ डालो, R के वैल्यू कितना आ गया 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, प्रेशर कितना है, प्रेशर है 2 एटीएम, समझे क्या? तो यहां से एटीएम एटीएम कट जाएगा, केल्विन और केल्विन यहां से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 1 times 12 25 times, ये कितना हो गया 12 1 times and 12 25 times, नहीं ज्यादा हो जाएगा ना 25, हाँ ठीक सही है 25 times, एंड 25/2 हो गया, 25/2 हो गया, मतलब यहाँ पे मोलर वॉल्यूम कितना आ गया, मोलर वॉल्यूम यहाँ पे आ गया 12.5 लीटर पर मोल। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना दिमाग लगाए मोलर वॉल्यूम का वैल्यू याद कर लेते हैं, कहते हैं मोलर वॉल्यूम हमेशा 22.4 होता है, ऐसा नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन कि किस टेम्परेचर किस प्रेशर की बात कर रहे हैं, एसटीपी कंडीशन मतलब 1 एटीएम प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर पे मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर आता है। अगर तुम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज कर दोगे मोलर वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, है कि नहीं? राइट, तो ये मोलर वॉल्यूम किस कंडीशन में आया, ये मोलर वॉल्यूम हमको आया है एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड प्रेशर इज इक्वल टू 280 एम, इस कंडीशन में आया ये मोलर वॉल्यूम। 25/3 क्यों नहीं लेंगे, 25/3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि प्रेशर हमको किस में दिया गया, एटीएम में दिया गया है,
25/3 कब लेना है 25/3? एक तो तुम लोग दिमाग तो लगाते नहीं हो बिल्कुल भी। क्या बताया नहीं क्या मैंने, प्रेशर जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा तो आर के वैल्यू 25/3 लिया जाएगा, प्रेशर जब एटीएम में होगा तो आर के वैल्यू 1/12 या इतना लिया जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डाउट है कोई? क्लियर? तो यहां से अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट ऑफ मोल डायग्राम, मोल ट्रायंगल में आते हैं। मोल ट्रायंगल का जो थर्ड पार्ट था वॉल्यूम और मोल्स से रिलेटेड। एक्चुअल वैल्यू लिखा है, दिस इज एक्चुअल, इसको सॉल्व करोगे 273/12 करोगे 22.75 आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मोल ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन इज 22.7 मोल लीटर पर मोल, एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो जनरली यूज करते हैं क्वेश्चंस में 22.4 लीटर पर मोल यूज करते हैं। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। नाउ विल मूव ऑन टू जो हमने मोल ट्रायंगल में मोल्स और वॉल्यूम का जो रिलेशन लिखा, हमने यहां से क्या देखा, हमने यहां से देखा मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोल्स। तो यहां से सीधे सीधे अपने पास एक रिलेशन आएगा, एक रिलेशन अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम। पहला आएगा कि नहीं आएगा, बस टर्म्स को आगे पीछे किया है कि नहीं। और दूसरा क्या आएगा अपने पास, दूसरा अपने पास क्या आएगा, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोल्स है ना, तो मोल्स को ऊपर ले गए, मोलर वॉल्यूम को नीचे ले आए। दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा मोल्स ऑफ गैस, अच्छा मोल्स ऑफ गैस तो निकाल लिया, दूसरा क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। प्रीवियस स्लाइड देखनी है क्या, देखो जरा प्रीवियस स्लाइड जल्दी से। देख लिया प्रणव कुमार, हो गया? तो सेकंड में क्या देखोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू कितना मोलर वॉल्यूम। आई बात समझ में, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू कितना, ये मोल्स है। मोल्स इनटू कितना मोलर वॉल्यूम। क्लियर हुआ क्या? डाउट है? देखो यही चीज थी हमारे पास, मोल ट्रायंगल में चलते हैं, लिख लो पहले इसको, फिर मोल ट्रायंगल में चलते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ मोल ट्रायंगल। हुआ? हुआ क्या? डाउट है इसमें कोई? नहीं, देखो जरा मोल ट्रायंगल में चलते हैं।
ये देखो मोल ट्रायंगल, यही था मोल ट्रायंगल में। देखो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल्स ऑफ गैस निकालना है, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, यही था है कि नहीं। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हमें मोल्स ऑफ गैस दिया गया है 22.4 ही कंसिडर कर लो, 22.4 कंसिडर करोगे एसटीपी पे, मोलर वॉल्यूम जस्ट कंसिडर 22.4 एट एसटीपी, ठीक है राइट। नाउ उसी तरह से अगर हमें मोल्स दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ, बोलो ये बात क्लियर हुई क्या, है कि नहीं। अब अगर हमें वॉल्यूम दिया गया होगा, अगर हमें वॉल्यूम दिया गया होगा, हमको अगर मास निकालने को कहा जाए तो क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम दिया गया है मास निकालने को कहा जाए तो क्या करेंगे, सीधी बात है, अगर तुम्हें वॉल्यूम दिया गया मास निकालने को कहा जा रहा है तो पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट करो मोल्स में, फिर मोल से मास में कन्वर्ट करो, है कि नहीं। अगर तुम्हें वॉल्यूम दिया गया है पार्टिकल्स निकालो कहा जा रहा है, तो सीधी बात है पहले वॉल्यूम से कन्वर्ट करो मोल्स में और मोल से जाओ पार्टिकल में, इजंट इट, ऐसे ही होगा ना, क्लियर हुआ, यस। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से तुम्हें और क्लियर आएगा। चलो पहले एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एकदम सिंपल, फर्स्ट विल टॉक अबाउट वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इज पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन देता हूं, एट एसटीपी कंडीशंस, पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम एसटीपी कंडीशन रखना है, एट एसटीपी कंडीशंस हीलियम गैस, हीलियम गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर वॉल्यूम, फुल स्टॉप, हाउ मेनी मोल्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट, जल्दी बताओ। एसटीपी कंडीशन में, एसटीपी कंडीशन बोला है तो मतलब मोलर वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन में तो पता ही रहता है ना, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन, 22.4 लीटर्स, तो एसटीपी कंडीशन में गिवन सैंपल ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर्स, है कि नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट 5.6 लीटर्स, वी क्यों लिख दिया मैंने, इट ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर्स, नाउ इट इज सेइंग कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर प्रेजेंट, फोर मोल्स प्रेजेंट है, ये कौन कौन लोग फोर मोल्स बोल रहे, रजिया, प्रथमेश, शांतनु, शर्वरी, प्रथमेश, प्रणव, प्रथमेश, ज्ञानेश्वरी, फोर मोल्स, रजिया का 0.4 मोल्स आ गया, 2.4 मोल्स कितना होगा, क्या सिखाया अभी, सिंपल ही तो फॉर्मूला है,
एसटीपी कंडीशन है, एड एसटीपी कंडीशन, एड एसटीपी कंडीशन क्या होगा? एसटीपी कंडीशन में मोला वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर पर मोल। हमको क्या चाहिए? मोल्स निकालना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर प्रेजेंट। तो मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? 5.6 लीटर्स अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर्स एसटीपी पे। तो कितना आ गया ये? ये 1/4 आएगा ना? यस। तो मोल्स ऑफ हीलियम कितना आ गया? मोल्स ऑफ हीलियम एन, इस तरह से मोल्स ऑफ हीलियम, मतलब मोल्स ऑफ हीलियम ये कितना हो गया? दिस बिकम्स 0.25, 1/4 है कि नहीं? ये हो गया 0.25 हो गया, मोल्स ऑफ हीलियम हो गया 0.25। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय, हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल ऑफ CO2 एट एसटीपी। जल्दी बताओ, हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ CO2 एट एसटीपी? टू मोल्स ऑफ CO2 एट एसटीपी, तो वॉल्यूम कह रहा है ना एसटीपी कंडीशन पे, एट एसटीपी, एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स होता है ना, गेटिंग? तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस इंटू मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मोल्स ऑफ गैस ये कितने दिए? 2 दिए ना, इंटू 22.4, कितना आ गया ये? 44.8 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ गैस। समझ गया? राइट। अगला सवाल, अब ये सवाल ध्यान से देखना, ये सवाल को ध्यान से देखना, ठीक है? अ गिवन सैंपल, अ गिवन सैंपल ऑफ अननोन गैस, गिवन सैंपल ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज फोर फोर्टी एट एम एल ऑक्यूपाइज 448 ml एट एसटीपी, फुल स्टॉप। मास ऑफ द गैस सैंपल इज, जस्ट अ मिनट, मास ऑफ द गैस सैंपल, गैस सैंपल इज 1.6 ग्राम्स। कैलकुलेट ग्राम मोलर मास ऑफ गैस।
दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन लिखो जल्दी से. फिर वी हैव क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट मास ऑफ गैस एक्स विल हैव या व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल ऑक्यूपाई 50 लीटर वॉल्यूम. व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल ऑक्यूपाई 50 लीटर वॉल्यूम एट प्रेशर इज इक्वल टू 2 atm, टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन. जल्दी लिखो क्वेश्चंस. जल्दी लिखो क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन दो. अगला क्वेश्चन दो. हुआ क्या लिख के? हुआ हो गया लिख के. हो गया ठीक. चलो नाउ नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर्स ऑफ O2 गैस एट STP. फिर दूसरा क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें तो how many atoms are present in CO2 gas sample that occupies 50 liter volume at 2 atm and 600 kelvin. Then we have question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, सपोज करो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 22.4 ml ऑफ वाटर at 1 atm and 277 kelvin. Yeah,
ठीक है 277 के लिए। ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ वाटर प्रेजेंट चलो फाइव क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन दिए जल्दी। जल्दी स्टार्ट करो। प्रीवियस स्लाइड देखो जल्दी, प्रीवियस स्लाइड। फोर्थ में टेम्परेचर मैंने 600 केल्विन दिया है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया है 600 केल्विन। दिस इज 600 केल्विन। जल्दी करो, ध्यान से करो, दिमाग लगा के, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ के करो सारी चीजें, भागने की जरूरत नहीं है। गलत सही करो, गलत मत करो, थोड़ा टाइम लोगे तो भी चलेगा, मगर सही सॉल्व करो, गलत सॉल्व करने का कुछ मतलब नहीं होता। पांच मिनट में हो जाने चाहिए, पांच क्वेश्चन 5 मिनट में, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं दिए मैंने। जल्दी करो, हो जाए तो बताओ, हो जाए तो डन लिखो। हाँ मैं फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से करो, सही सॉल्व करो, आधी से ज्यादा गलतियां जल्दी जल्दीबाजी में होती हैं। देयर इज नो नीड टू हरी अप, यू हैव इनफ ऑफ टाइम।
जल्दी लास्ट क्वेश्चन में 277 केल्विन है ना, लास्ट क्वेश्चन में यस टेम्परेचर इज गिवन एज 277 केल्विन, टेम्परेचर इज गिवन एज 277 केल्विन। प्रीवियस स्लाइड देखो, प्रीवियस स्लाइड मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, 7 grams ऑफ एन अननोन गैस has same volume occupied at STP if moles of CO2 are 1/2 if moles of CO2 are 7 grams of unknown gas, मैं इसको कर देता हूं, सपोज करो सेवन पॉइंट फाइव ग्राम्स ऑफ अननोन गैस NOx unknown gas NOx has same volume occupied by at
हम्म,